हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, वीडियो क्लास में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोम्बिंग के बारे में। कंघी करना तो आपने सबने सुना ही है ना, कि किस तरीके से, मतलब कंघी करना कोई आम बात है, ठीक है, आप भी ऐसे से कोम्ब तो करते ही हैं, बट कोम्ब करने से होता क्या है, कोम्ब करना क्यों ज़रूरी है, क्या केवल स्टाइल के लिए है ना, अपने बालों को सही ढंग से शेप देने के लिए इसके लिए ही कोम्बिंग किया जाता है, या कोम्बिंग करने का कुछ फ़ायदा होता है, इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है, उन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते जाना बच्चों। और ये सीरम है ना, ये यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, ये तो मेरे पास है, देखो बहुत थोड़ा सा रह गया है। सीरम का इस्तेमाल, ऑयल के जगह पे सीरम का इस्तेमाल अगर हम करें या कंडीशनर का इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये जो कोम्बिंग है ना, ये कोम्बिंग हमको कौन सी कंघी इस्तेमाल करनी चाहिए, और हम कोम्बिंग को कितने टाइम करें, और कैसे हमको कोम्बिंग करना चाहिए जिससे हमारे बाल अच्छे रहें, और हम सीरम का इस्तेमाल क्यों करें, ऑयल का इस्तेमाल क्यों ना करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, कहने को तो है कि कंघी करना आप सिखाएंगी, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगे, है ना, कोम्बिंग करना ही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम जाते हैं बच्चों हेयर, देखो कोम्बिंग यानी कि कंघी करना, कंघी करने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं, इसके बैक पीछे। तो पीछे में अगर आप देखिए, बहुत पहले आप जाइए, जब घर नहीं हुआ करता था, है ना, कंघी का आविष्कार नहीं था, कंघी नहीं था उस समय, जब आदिवासी भी तो कंघी करते हैं, आप बहुत पीछे जाओ, बहुत पीछे, ठीक है, जब आदिमानव हुआ करते थे, है ना, उस समय वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में रहते थे, तो कभी वो उनको सोने के लिए घर, तकिया, बेड थोड़ी हुआ करता था, नहीं ना, वो कहीं भी सो जाते थे, कहीं लकड़ी मिल रहा है, ठीक है, उस पर अपना सर रख करके सो गए, कहीं पत्थर है वहाँ सो गए, कैसे भी सो जाते थे वो, ठीक है। तो जब कहीं भी सोते थे, ओके, तो उनके लिए क्या था, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, सेफ्टी ज़रूरी थी, कहीं भी ऐसे रख करके सो जाते थे, या कहीं पत्थर पर इधर को सर रखा हुआ है, कहीं इधर को सर रखा हुआ है, तो बॉडी ने ये चीज़ सोचा कि भाई इसके पास तो बेचारा अभी इसका तकिया का, पिलो का आविष्कार तो हुआ नहीं है, इसके पास, इस आदमी का ये जो सिर है, सिर के आप देखो, ये हमारा स्कल होता है, खोपड़ी होता है, उसके ऊपर एक लगा होता है, ये स्कैल्प होता है ना, एक स्किन है, उसके अंदर तो ब्रेन है। अब ब्रेन को सुरक्षित रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो इसको ना एक ही तो लेयर है यहाँ पर ऊपर स्किन का, तो वो जब पत्थर पर ऐसे हाथ रख करके सो रहा है, कहीं नुकीला पत्थर है, इसको लग जाए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो गॉड ने ऐसा सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ बात है, यहां पर ना हमको कुछ देना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के गॉड के दिमाग में ये आया कि यहां पर बाल होने चाहिए, ठीक है। अब क्या दे सकता हूं, कुछ ऐसी चीज दे दूं जो कि मतलब ये इसको अगर काटो या फिर इसको मतलब जैसे तैसे भी रहे, ये तो इसको कोई नुकसान, मतलब इसको तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, ठीक है, और ये एक गद्दे का काम करे, एक तकिया का काम करे। पहले के लोगों के लिए गॉड ने यह चीज सोचा, और सोचने के बाद गॉड ने यहां पर बाल देना शुरू कर दिया। अब भाई वो पत्थर पे ऐसे सोए, चाहे ऐसे सोए, चाहे ऐसे सोए, ठीक है, ये तो रहता था ना एक लेयरिंग, है ना, बाल का पूरा, घने बाल यहाँ पे लगे हुए, वो इनके लिए पूरा गद्दे का काम किया करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखो, जैसे गॉड के दिमाग में आया कि आँख यही होनी चाहिए, ठीक है, उसी तरीके से गॉड के दिमाग में आया कि भाई इनके बाल होना चाहिए, और बाल ऐसा हो जिसको कि ऐसे वैसे सोने में तकलीफ ना हो, मतलब ये इसको नॉन लिविंग बनाया गॉड ने, ठीक है, अंदर से लिविंग है लेकिन बाहर से ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना, इसको काटेंगे तो कोई दर्द नहीं होगा हमको, तो इसमें नर्वस सिस्टम इसमें यहां बाहर में नहीं दिया गया है, अंदर में तो है, खींचेंगे तो पता पड़ेगा, ठीक है, तो अंदर में तो है बट बाहर में नहीं है, ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो हिस्ट्री इस तरीके से बाल बने हमारे हमारे सिर के ऊपर, बाल ऐसे, बाल यानी कि किस लिए है, फॉर सेफ्टी, है ना, हमारी सुरक्षा के लिए, उस समय के इंसानों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो कहीं भी कैसे भी सो जाते थे, तो इस वजह से सुरक्षा देने के लिए गॉड ने बाल बनाया, ठीक है। अब देखो, वो स्लिप करते थे, सो जाते थे, कहीं भी कैसे भी सो रहे हैं, तो यहाँ साइड में, यहाँ साइड में, जहाँ इधर साइड में सो रहे हैं, ऐसे सो जा रहे हैं, तो इस तरीके से गॉड को ये लगा कि इस सिर के इधर उधर सब जगह बाल होना चाहिए। तो गॉड ने देखा कि जहां जहां तक इनको सुरक्षा की जरूरत है, वहां वहां तक मैं हेयर दे देता हूं। अब देखो, अब जब सोते थे ना, तो ये गर्दन पत्थर पे नहीं आती थी, तो गॉड को लगा कि यहां हेयर देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये तो पत्थर पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे ये बंदा इसको कहीं ना कहीं रख करके सो रहा है, ठीक है, तो यहां पर बाल देने की जरूरत है, तो गॉड ने यहां से लेके यहां तक हेयर दिया है, ठीक है। जिन ऑर्गन का जहां जरूरत होता है ना, वो ऑर्गन
वहीं पर उस ऑर्गन को बनाया जाता है और जरूरत अगर है तभी वो ऑर्गन बॉडी में रहेगा, जरूरत नहीं रहेगा तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। देखिए स्टोन है ना, पत्थर रहता था, ठीक है, कॉन्टेक्ट टू स्टोन, स्टोन के कॉन्टेक्ट में ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये बैक, ये कभी ऐसे सो जा रहे हैं तो ये आगे का फ्रंट भी आता था। तो इन सब चीजों के लिए क्या, सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए गॉड ने बाल बना दिया। ये हिस्ट्री हो गई, बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब हमारा दिमाग जो है ना, हमारा ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन बना और ब्रेन को एक बात समझ में आती है। ब्रेन के लिए सिर्फ एक बात बोला जाता है कि पूरी बॉडी में, देखो मैंने, गॉड ने बोला कि देखो इस पूरी बॉडी में मैंने ऑर्गन तो दे दिए हैं, हाथ दिया है, पैर दिया है, ठीक है, आंखें दिए हैं, कान दिया है, ठीक है, आईब्रोज दिए हैं, बाल भी दे दिया है, ठीक है, दिमाग भी दिया है। जिस ऑर्गन का ये बंदा इस्तेमाल करेगा, धीरे 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 इसका दिमाग बढ़ता जाएगा, कुछ नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होगा और हो सकता है कि फ्यूचर में ये बंदा इस ऑर्गन का इस्तेमाल करे। बेटा बार बार मैं इधर आती हूँ ना, तो वो क्या, मुझे कैमरा चेक करना पड़ता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये बंदा इस ऑर्गन का इस्तेमाल करे और इस ऑर्गन का इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो ये दिमाग तुमको मैं ही देता हूँ, ये अथॉरिटी, ये अधिकार तुम्हारा रहेगा कि तुम ये चीज़ देखना कि जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा है उस ऑर्गन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है इसको इतनी जल्दी तुम जज मत करना। दिमाग को भी ये बोला गया, गॉड ने बोला कि इतनी जल्दी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, एक लॉन्ग टाइम तक तुम देखना है ना, एक लॉन्ग पीरियड देखना कि भाई इस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लगता है इस बॉडी को इस ऑर्गन की जरूरत नहीं है, तो धीरे 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 तुम भी क्या कर देना, इस ऑर्गन को बॉडी से हटा देना। फालतू का क्यों ये ऑर्गन पड़ा रहेगा, शरीर से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा। जैसे देखो प्लांट में, पौधों में क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जबकि पौधों को जड़ों से न्यूट्रिएंट तो ज्यादा मिल नहीं रहा है, लेकिन इतनी सारी पत्तियां लगी हुई हैं, तो प्लांट के अंदर का जो हार्मोन होता है वो सोचता है उस पौधे की भलाई के बारे में, उस ट्री की, उस पेड़ की भलाई के बारे में सोचता है और कहता है इतनी सारी पत्तियां लगी हुई हैं, कमाने वाला तो कम है ना, खाने वाले ज्यादा हैं, कैसे काम चलेगा, ये पेड़ सर्वाइव कैसे कर पाएगा, नीचे से पानी मिल नहीं पा रहा है, बहुत गर्मी का मौसम है, ठीक है, और इतनी सारी पत्तियां हैं तो क्यों ना इन पत्तियों को हटा दिया जाए पेड़ से, ठीक है। तो कहता है, वो क्या कर देता है, पतझड़ करवा देता है, सारे पेड़ से सारी पत्तियों को हटा देता है कि भाई अभी तुम लोग हट जाओ, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी हम वापस तुम्हारे को बुला लेंगे, लेकिन अभी हट जाओ क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, अदरवाइज ये पेड़ रहेगा ही नहीं, तो फिर तुम कहां रहोगे, ठीक है। तो उस पेड़ की सेफ्टी के लिए ये काम किया जाता है। वैसे ही गॉड ने ब्रेन को भी बोला कि भाई तुम्हारे शरीर में देख लेना कि अगर कहीं भी कोई ऐसा ऑर्गन जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको धीरे धीरे बॉडी से हटा देना, फिर वो एक्स्ट्रा फालतू ऑर्गन क्यों बॉडी में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखो ब्रेन को सिर्फ यही इतनी बात समझ में आती है कि कंटिन्यूअस अगर कोई ऑर्गन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको डिसअपियरिंग करना स्टार्ट कर देती है बॉडी, ठीक है। तो ब्रेन कहता है कि इस ऑर्गन को धीरे 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 क्रमशः हटाओ। क्रमशः हटाने का मतलब क्या हुआ कि क्या बहुत कम टाइम है, कितना, क्रमशः का मतलब आप क्या समझते हैं, डिसअपियर, धीरे धीरे गायब भी करना शुरू करेगी बॉडी अगर, तो क्या बहुत जल्दबाजी में नहीं। ब्रेन को पहले ही बोला गया था ना कि भाई बेटा जल्दबाजी में फैसला मत लेना, बहुत साल लेना इसके लिए, तो बहुत साल आप देख लो, है ना, बहुत साल, 50-100 साल, ठीक है ना, बहुत साल, कोई मतलब 100 साल 200 साल नहीं, उससे पुरानी बात हो जाएगी कि धीरे धीरे इस ऑर्गन को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शरीर से ऑर्गन वो खत्म हो जाता है और एक नया शरीर देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि हम कहते हैं कि पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे और आज के लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो पहले मतलब बहुत पहले, है ना, वो ऑर्गन अब धीरे धीरे डिसअपियर कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ऑर्गन हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं उनको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, है ना, अवशेष मात्र हमारे शरीर में रह गए हैं जो हमको इस बात का प्रमाण देते हैं कि पहले ये ऑर्गन हुआ करता था, आज की डेट में ये ऑर्गन नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो एक ही ये रूल फंडा जानता है हमारा ब्रेन, ठीक है। अब हम आते हैं आज के दिन पर, है ना, बहुत बातें हो गई पहले की, ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि ब्रेन क्या एक फॉर्मूला जानता है। अब आज के बारे में बात करो, आज अगर हम बात करें तो आज हम कहाँ सोते हैं बच्चों, बेड पे सोते हैं। बेड पे सोते हैं, क्या तकिया का इस्तेमाल करते हैं, यस तकिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम तकिया का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर आप कैसे सोते हैं, या तो आप ऐसे सोएंगे, ठीक है, तो आपका ये वाला पोर्शन, देखो ऐसे सोएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट में रहेगा, तकिया के कॉन्टैक्ट में, है ना, तो कभी आप सिर
थोड़ा बहुत तो मतलब सोए सोए एकदम स्ट्रेट है ना, अटेंशन है, ऐसे थोड़ी सोते हैं है ना, थोड़ा बहुत तो सिर हिलता रहता है, तो हिलता रहता है तो इधर का मसाज होता रहता है, फिर आपने करवट ले लिया, करवट ले लिया तो इधर वाला इस हेयर का मसाज होने लगा, फिर आपने इधर को करवट लिया तो इधर वाले हेयर का मसाज होने लगा, यानी कि इधर वाले और इधर वाले है ना, ये और ये तीन एरिया वो हो गया जिसका कि सोते टाइम भी मसाज हो रहा है, ठीक है। तो देखो वो तीन एरिया, इधर वाला और ये बैक वाला, इस एरिया का तो मसाज हो रहा है, लेकिन क्या आगे आगे का जो बाल है कि वो इसका मसाज हो रहा है क्या? तकिया पे क्या कभी आप ऐसे सोते हैं क्या, सिर नीचे कर लिया है ना, इधर को कर लिया और ऐसे सीधे खड़े होकर सो गए, ऐसे ऐसे तो सोते नहीं है ना, तो इधर वाला मसाज कम हो पाता है। देखो कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ना, पिलो के कॉन्टैक्ट में, या बेड पे आप विदाउट पिलो भी सोइए ना, तो भी ये वाला हिस्सा कॉन्टैक्ट में आता हो और ये बीच वाला हिस्सा कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, ठीक है। जब ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में नहीं आता है तो होता क्या है कि हमारे बॉडी को पता, ब्रेन को लगता है ना, ब्रेन को क्या लगता है कि भाई यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ बाल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ बाल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ भी बाल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ये वाला हिस्सा का लग रहा है इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये वाले बाल एक्स्ट्रा क्यों है ना, जैसे पत्तियाँ एक्स्ट्रा क्यों है ना, तो यहाँ वाले बाल को एक्स्ट्रा क्यों रखना, क्यों ये इन बाल को न्यूट्रिशन सप्लाई करो, लो भाई खाओ पियो है ना, भाई इतना खाना तो बर्बाद हो रहा है ना, यहाँ आवश्यकता नहीं है, ब्रेन को यही बात समझ में आएगी कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ के बाल जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अक्सर आप देखेंगे कि जो बाल्ड होते हैं, मतलब जो लोग जिनके बाल कम होते हैं या एकदम से बाल गायब होने लगते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि डिसअपीयरिंग, बाल का गायब होना कहां से स्टार्ट होता है, वो बीच वाले है ना, सेंटर से, किनारे पर बाल रहेगा, यहां बाल रहेगा, यहां बाल रहेगा, लेकिन यहां बीच से स्टार्ट होता है। कारण यही है कि आपके आपके बॉडी जो होती है ना, उस बॉडी को ये मैसेज उस बॉडी के थ्रू ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है कि भाई यहां भी यूज में है, यहां हमको बाल चाहिए, बॉडी को यही लग रहा है, ब्रेन को यही लग रहा है कि यहां बाल चाहिए ही नहीं, तो धीरे धीरे उस बाल को वहां से हटा दो, गायब कर दो। समझ में आया आपको? तो ये चीज है ना, तो एक तो ये वाला, एक सेंसेशन मिलना जरूरी होता है, और इसके अलावा जेनेटिक भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल केवल इसी मेथड की हम बात करेंगे, हम जेनेटिक की भी बात करेंगे कि पहले पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता आ रहा है कि इस तक जाते जाते बाल गायब हो जाते हैं, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है कि इस वजह से बाल गायब हो रहे हों। लेकिन जो मैंने बताया ना, लॉजिक पीछे का साइंस तो यही है कि बाल की आवश्यकता क्यों थी और बाल यहाँ बीच से ही गायब होना क्यों शुरू होते हैं। अब हम आते हैं कि कंघी कैसे करते हैं, नेसेसरी क्या है ना, जरूरी क्या है। अगर आप चाहते हैं कि बीच बाल भी आपके बरकरार रहें, तो एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड दिस इज कॉम्बिंग, ठीक है, आप कोम्ब करिए, ठीक है। कंघी करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इस कंघी करने के दस्से होता क्या है, कंघी करने से ये होता है कि देखो इधर 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 ये तीन जगह का तो मिल ही रहा है, देखो सोते टाइम तो ये तीन जगह टच हो ही रहा है, तो बॉडी को पता चल रहा है कि भाई ठीक है ना, मैसेज मिल रहा है कि यहां यहां तो बाल चाहिए, यहां तो पता नहीं पड़ पा रहा है, तो आप क्या करो, कॉम्बिंग करो है ना, इस यहाँ पर आप कॉम्बिंग करिए और कॉम्ब करके देखो बीच वाले को मैं मैसेज दे रही हूँ, मैं कॉम्ब करके अपने बीच वाले इस पोर्शन को मैसेज दे रही हूँ कि भाई है ना, यहाँ भी ज़रूरत है, ये पत्थर है समझ लो, और इस पत्थर से नुकसान हो रहा है बालों को, है ना, इस सिर को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ भी मुझे बाल चाहिए, मुझे यहाँ बाल चाहिए, तो यहाँ इस तरीके से क्या करना है, कॉम्बिंग करना जरूरी होता है। बहुत दबा के कॉम्बिंग नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देकर और स्लोली ऐसे कॉम्बिंग करना जरूरी होता है। इस तरीके से कॉम्ब करके एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम सेंसेशन दे रहे हैं ना, कॉम्ब कर रहे हैं, देखो वहाँ पर सेंसेशन दे रहे हैं कि चाहिए है ना, यहाँ भी बाल चाहिए, और जब हम ऐसा सेंसेशन देंगे तो होगा क्या, होगा ये कि अपने ब्रेन को पता पड़ेगा कि अच्छा तुमको भी चाहिए क्या भोजन, तो नीचे से अंदर से रूट से है ना क्या होगा, ब्लड सप्लाई होना शुरू होगा, ब्लड सप्लाई होगा तो हमारे इन बालों को ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और हमारे बाल यहाँ पर भी क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे, ठीक है। हमें इसको मैसेज दे रहे हैं, चाहे मैसेज आप अपने फिंगर से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉम्ब का इस्तेमाल करो, देखो ना मैं फिंगर से ही मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, तो फिंगर से भी ऐसे मैसेज दे सकते हैं, ओके। अब देखो अब देखो
रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या होगा कि हेयर ग्रोथ यहाँ पर होगी। अगर कम हो गई थी ना तो, या फिर कुछ बाल टूट गए थे तो नए नए बाल यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अंदर से न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि कोम्ब किस तरीके का इस्तेमाल करें। और ऑयल में मैंने आपको बताया था कि ऑयल बालों में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बाल के रूट में, जड़ों में तो खास तौर से लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे जड़ों में ऑयल लगाते हैं ना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ऑयल लगाना है, हाथ में ऑयल लीजिए, जरा सा लीजिए और इन इन हिस्सों को लगाना है। ठीक है ना, यहाँ यहाँ आप लगाइए, जड़ों तक ऑयल नहीं पहुँचना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ये ऑयल लगा लो आप आराम से, लेकिन ऑयल जो है ना वो बाल की जड़ों तक नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ऐसे हल्का सा लगा लेते हैं। ठीक है, या ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करिए, उससे भी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनर का, उससे बाल आपके, ऑयल किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये बाल जो है ना फंसे ना, टूटे ना। ठीक है, कोम्बिंग के टाइम ऐसे ऐसे फंस करके और ऐसे टूटे ना, तो ये बाल अलग रहे। इस वजह से हल्का सा आप गीले बालों में, हल्का सा गीले बालों में ऑयल लगा सकते हैं, केवल बाहर बाहर है ना, रूट तक बाल हेयर वो नहीं पहुंचना चाहिए ऑयल। या फिर आप सीरम का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये देखो, ये सीरम लिया मैंने। ओके, ये सीरम लेकर के, और ये देखो, मैं कोई जड़ों में थोड़ी लगा रही हूँ, है ना, सीरम को मैं आराम से ऐसे लगा दूंगी। ठीक है, बालों में सीरम को आराम से लगाइए, केवल देखो, केवल इन, है ना, जो न्यूट्रल हेयर है ना, सिर्फ मैं सीरम क्यों लगा रही हूँ, ताकि मेरे बाल कॉम्बिंग करते टाइम उलझे नहीं और उलझ के टूटे नहीं। ठीक है, सिर्फ इसके लिए ये काम मैं कर रही हूँ, तो मैं सीरम का इस्तेमाल कर सकती हूँ। या फिर अच्छा तो होता है कंडीशनर नहाते टाइम, जो शैम्पू के बाद, आफ्टर शैम्पू आप कंडीशनर का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ये देखो, ये मैंने लगा लिया। मैंने कोई जड़ों में लगाया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, मैंने रूट को, जड़ों को तो छेड़ना ही नहीं है भाई। जड़ें जो है वो आपके लिए नहीं है कि आप इनको खाना दो, ऑयल दो, पिलाओ, है ना, तेल पिलाओ इनको, तब आपके बाल में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होगा। नहीं नहीं, जड़ तो गॉड के लिए है, आपके जो रूट है ना, उस वहाँ पर जो कुछ भी सप्लाई होगा वो अंदर से सप्लाई हो रहा है, आपके बाहर से ऑयल देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सप्लाई करना है, ऑयल सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, वो सब कुछ नीचे अंदर से, इसके बाल के जड़ों से अंदर से मिल रहा है। ठीक है ना, गॉड ने व्यवस्था कर रखी है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था ऑयली में, आप देख लेना। ठीक है, अब ये हो गया, सीरम लगाने के बाद आपके बाद उलझते कम हैं। ठीक है, और अब आपको कोम्बिंग आराम से करना है। देखो, कोम्बिंग के लिए एक तो इस तरीके का कोम्ब आता है, ठीक है, और दूसरा इसी तरीके का कोम्ब लकड़ी का बना हुआ आता है, लकड़ी वाला बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता कि है क्यों? क्योंकि इस वाले कोम्ब से आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इस वाले कोम्ब में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इट मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब बालों के ऊपर ऐसे से कोम्ब को रगड़ने से, और उसके बाद जब मैं कागज़ को ऐसे टच करती हूँ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लेती हूँ, मैंने एक पढ़ा करके भी दिखाया था आपको, तो ये कोम्ब उस कागज़ के छोटे छोटे पीस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम आ रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन लकड़ी का कोम्ब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे ना जो यहाँ की स्किन है ना, यहाँ बालों के अंदर, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न रहना उसके लिए अच्छा होता है। तो हम लकड़ी के कोम्ब को ले लो, बड़े बड़े ऐसे देखो दाने वाले कोम्ब को ले लीजिए, ताकि बालों का उलझना टूटना भी ना हो और अच्छी तरीके से मसाज हो रहा है। ठीक है, आपके आप ना मैसेज दे रहे हैं, मैसेज दिन भर में कितनी बार करना है, तो दिन भर में आप ले लीजिए दो से तीन बार। ठीक है, दो से तीन बार और कम से कम 20 बार, है ना, 20 टाइम्स ऐसे आराम से। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, और ये चीज़ नुकीला नहीं होना चाहिए, है ना, देखो ये शार्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके जो स्कैल्प है ना उसकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। ये नुकीला नहीं होना चाहिए, आराम से इस तरीके से इसको ये मसाज दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मसाज दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी हमको बाल चाहिए। ठीक है, इस तरीके से 20 टाइम आपको हेयरिंग कर, इस तरीके से कोम्बिंग करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे 20 टाइम आप क्या करेंगे? कोम्बिंग करेंगे। बात आपको समझ में आ गई बच्चों? एक बात और,
देखो एक तो ये वाला कॉम्ब होता है ना, दूसरा क्या होता है ब्रश होता है, ब्रश है ना, ब्रश देखो मेरे पास राउंड वाला था इसलिए मैं लाई नहीं, ठीक है। देखो ब्रश होता है, ब्रश में क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एक बार ही। अब इसमें एक बार में जितने ये हैं उतने उतनी जगह पर ही तो टच कर रहे हैं ना, और ब्रश में क्या होगा कि एक बार में ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो 20 बार एक बार में अगर ये मान लो कि 10 इसमें 10 दाने हैं, है ना, 10 जगह कवर कर रहा है, और वो वाला मान लो जो कोम्ब होगा ऐसा वाला ब्रश जो होगा उसमें मान लो कि 50 है ना, तो ये एक बार में 10 कर रहा है तो वो एक बार में 50 जगह टच करेगा, ठीक है। तो 50 जगह आपको मसाज दे रहा है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। तो उसके उससे ब्रश से ऐसे ऐसे अपने बालों को अपने स्कैल्प को मैसेज देना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और आपको कितनी बार करना है ये देखिए, है ना, आपके यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम होता है, तो इस वजह से और वुडी कॉम्ब का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, नहीं होता है, इस वजह से ये आपके स्कैल्प के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और एक दिन में आप कितनी बार कर सकते हैं, 2-3 टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 2-3 बार जब भी करें तो उसके बाद क्या करें आप कि ये कॉम्ब करने के बाद अब आपको क्या करना है कि कोम्ब एक बार में 20 बार कम से कम 20 टाइम्स। देखो मैं तो ना कभी टाइम रहता है तो ऐसे हाथों से भी मैसेज देती रहती हूँ कि भाई ठीक है यहाँ पर बाल चाहिए इसीलिए खूब बाल है, ठीक है, घने बाल हैं, ओके। उसके बाद देखो अब गीले बालों में अपने को ये करना चाहिए कोम्बिंग या ड्राई हेयर में। देखो ड्राई हेयर में करने पर क्या होते हैं, बाल उलझते हैं, टूटते हैं, ठीक है, बीच में से यहाँ वहाँ से टूट जाते हैं, तो बाल टूटे ना इसके लिए आप सीरम का इस्तेमाल करिए, कंडीशनर का इस्तेमाल करिए, मेहंदी लगाइए। मेहंदी का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ये क्या है मेहंदी नेचुरल मास्क होता है, ठीक है ना, आपके हेयर मास्क होता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, संडे टू संडे इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल जो है सॉफ्ट बने रहेंगे। और अगर ऑयल भी इस्तेमाल करना है ना तो गीले बालों में, जब आपके बाल गीले हो ना हल्के गीले, तो बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 बूंद ऑयल लेकर के केवल ऊपर ऊपर केवल यहाँ यहाँ लगा लिया, ठीक है, और अंदर नहीं लगाना है, केवल यहाँ यहाँ लगा लिया, इससे क्या होगा कि बाल उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, ठीक है, बस इसके लिए ही हम केवल ऑयलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई इसका पर्पज नहीं है। और गीले बालों में अगर हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली अगर कोम्ब करते हैं, ठीक है, 20 बार या 25 बार ऐसे से कोम्ब करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा मसाज देता है, ठीक है, और हमारे स्कैल्प को हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि बाल चाहिए, यहाँ पर बाल चाहिए, हटाओ मत भाई, है ना, बाल चाहिए हमको, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। आई होप कि बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो कि कोम्ब कैसे करना है, कौन सा कोम्ब इस्तेमाल करना है, किस तरीके के बालों में कोम्ब इस्तेमाल करना है और क्यों करना है और बाल यहाँ पर होते ही क्यों है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लूँ, एक बार चेक कर लूँ कि भाई वीडियो पढ़ा तो रही हूँ, बन भी रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, सही चल रहा है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कुछ ये चौक वाला मैंने पढ़ा ही दिया आपको कि चौक की ज़रूरत हमको क्यों होती है, आज कोम्बिंग हो गया, ठीक है, ऑयल के बारे में, बालों में ऑयल हमको नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, उसके अलावा भी हाँ डैंड्रफ के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया। तो बहुत सारे टॉपिक लेती हूँ और ऐसे टॉपिक लेती हूँ जो आपको जानने की इच्छा हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेरे माइंड में नहीं आ रहा है लेकिन आप जानना चाहते हो तो मुझे बच्चों आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम इस टॉपिक को भी आप पढ़ाइए, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को पढ़ाऊँगी, ठीक है, और ये भी बताऊँगी कि इस टॉपिक की डिमांड किसकी थी, किसने बोला है ये टॉपिक पढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Have a nice day.